हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उसका संबंध जो है वो पंजाब राज्य से है। तो पंजाब में सिंधु नदी की डॉल्फिन यानी इंदस रिवर डॉल्फिन जो है उनकी जनगणना की शुरुआत जो है वो होने जा रही है। पंजाब टू बिगिन सेंसस ऑफ इंदस रिवर डॉल्फिन। तो डॉल्फिन्स की ही एक प्रजाति है इंदस रिवर डॉल्फिन, जो कि पंजाब के अंदर पाई जाती है। तो कितनी है संख्या में वो डॉल्फिन्स, इसकी जानकारी के लिए जनगणना सेंसस जो है वो पंजाब के अंदर होने जा रहा है। पंजाब स्टेट एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो, जुडिशरी हो, या किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी एग्जाम प्रेपरेशन को बेहतर बनाने में। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ स्टडी आईक्यू के साथ बेहतर बनाएं। आर्टिकल कहता है द सेंसस ऑफ वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटेंड सीटेसेंस द इंदस रिवर डॉल्फिन प्लेटेनिस्टा गैंगेटिक माइनर। तो इंदस नदी की जो डॉल्फिन है जिसका साइंटिफिक नेम प्लेटेनिस्टा गैंगेटिक माइनर है, उनकी जनगणना जो है वो शुरू हो गई है। ये सेटासिन्स है। सेटासिन्स क्या है वो मैं अभी आगे बताऊंगा। अ फ्रेश वाटर डॉल्फिन दैट इज फाउंड इन रिवर ब्यास। इंदस रिवर डॉल्फिन है और पंजाब में इसकी मौजूदगी जो है वो ब्यास नदी में पाई जाती है। इट इज ऑल सेट टू कमेंस इन द विंटर्स एज अ प्रोजेक्ट बाय सेंटर। तो केंद्र सरकार की एक परियोजना के तहत जो है ये जनगणना, ये सेंसस जो है वो किया जाएगा, जिसमें पंजाब में कितनी संख्या है, कितनी पॉपुलेशन है इंदस रिवर डॉल्फिन्स की, जो कि मुख्य तौर पर ब्यास नदी में पाई जाती हैं, उसकी गिनती जो है वो की जाएगी। सेटासिन्स आर एंटायरली एक्वेटिक ऑर्डर ऑफ मैमल्स कंप्राइजिंग ऑफ व्हेल्स, डॉल्फिन्स एंड पॉर्पोइसेस। सेटासिन्स जो है वो दरअसल मैमल्स होते हैं, जिसमें व्हेल्स भी आती हैं, डॉल्फिन्स भी आती है और पॉर्पोइसेस भी आती हैं। द एंशियंट ग्रीक्स रिकॉग्नाइज्ड सेटासिन्स ब्रीथ एयर, गिव बर्थ टू लाइव यंग वंस, प्रोड्यूस मिल्क एंड हैव ऑल फीचर्स ऑफ मैमल्स। तो सेटासिन्स, उनमें सारी की सारी खूबियां, विशेषताएं जो है वो मैमल्स वाली होती हैं, यानी कि वो मैमल्स वो है जिनकी एक स्पेशलाइज्ड विशेषता ये होती है कि वो ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं, वो एग्स ना लेकर के डायरेक्ट एक लिविंग ऑफस्प्रिंग जो है उनके नवजात जो होता है वो जीवित होता है, वो अंडा ना देकर के एक नवजात को जन्म जो है वो देते हैं। तो ये उनकी एक स्पेशलिटी होती है। इसके अलावा वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, उनके शरीर पे हेयर होते हैं और वो सारे के सारे फीचर्स उनके अंदर होते हैं, और यही सेम फीचर्स जो है वो सेटासिन्स के अंदर भी पाए जाते हैं। इसलिए उनको मैमल्स के काफी करीब जो है वो माना जाता है। और ये जो डॉल्फिन्स हैं ये व्हेल्स, डॉल्फिन्स और पॉर्पोइसेस, पॉर्पोइसेस भी जो है वो एक प्रकार की प्रजाति है जो थोड़ी सी डॉल्फिन्स की तरह दिखती है। तो ये सारी की सारी प्रजातियां जो है इनको यहां पर सेटासिन्स में कंसीडर किया जाता है। डॉल्फिन्स भी जो है वो इसका पार्ट है। इंदस रिवर डॉल्फिन कुछ इस तरीके की दिखती है। ये उनकी आउटर अपीयरेंस है। कभी भी अगर आप इफ यू एवर यू कम अक्रॉस सच टाइप ऑफ फिश, तो आप समझ सकते हैं कि ये इंदस रिवर डॉल्फिन है। इंदस रिवर डॉल्फिन जिसको साइंटिफिकली प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका माइनर जो है वो कहा जाता है, प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका माइनर फ्रेश वाटर डॉल्फिन है, साफ पानी में, यानी कि ये आपको समुद्र के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, ये खारे पानी की में इसकी मौजूदगी जो है वो नहीं होती है। साफ पानी में, मीठा पानी जिसको कहते हैं, नदियों के पानी में ये देखी जाती है। इंदस रिवर डॉल्फिन है, पंजाब के अंदर ब्यास नदी में इसकी मौजूदगी है। इनकी जनगणना जो है वो शुरू होगी। द सेंसस विल स्टार्ट इन विंटर्स एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार की एक परियोजना के तहत इनकी जनगणना जो है वो सर्दी के मौसम से शुरू की जाएगी। However, Punjab's Wildlife Preservation Wing will move a step ahead and it will not only protect dolphins but also their natural habitats. इस जनगणना से ये लाभ मिलेगा कि पहले हम ये समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली कितनी डॉल्फिन्स जो है वो पंजाब के अंदर है, इनको फिर प्रोटेक्ट करना है। तो जो केंद्र का प्रोजेक्ट है वो इन डॉल्फिन्स को प्रोटेक्ट करने की बात करेगा, लेकिन जो पंजाब वन जीवीय संरक्षण विंग है, यानी कि पंजाब का वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन विंग है, वो एक स्टेप आगे जाएगा। यानी कि केंद्र की परियोजना जो है वो डॉल्फिन्स को प्रोटेक्ट करने की होगी, वेयर एज पंजाब का वाइल्ड लाइफ विंग जो है वो इनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इनकी मौजूदगी तभी होगी जब
इनका हैबिटेट सही होगा। तो पंजाब का जो वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन विंग है, इट विल एंश्योर, ये सुनिश्चित करेगा कि जहां पर ये प्रजातियां, जहां पर ये डॉल्फिन जो है वो रहती हैं, इनका जो हैबिटेट है वो प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। तो अगर वो प्रोटेक्टेड होगा तो इनडायरेक्टली एक अहम कॉन्ट्रीब्यूशन, एक अहम भूमिका जो है वो इनको प्रोटेक्ट करने में जो है वो पंजाब वाइल्ड लाइफ विंग की जो है वो रहने वाली है। प्रोजेक्ट विल बी इंप्लीमेंटेड ओवर 5 ईयर्स, 5 साल में, अगले 5 साल में ये परियोजना जो है वो पूर्ण रूप से लागू की जाएगी। और इसमें द एम्फेसिस विल बी लेड ऑन द कलेक्शन ऑफ डेटा ऑन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ स्पीशीज एंड पॉपुलेशन स्टेटस। तो ये पूरी की पूरी परियोजना जो है वो अगले 5 साल तक लागू की जाएगी, और सबसे ज्यादा इसमें अगर जोर दिया जाएगा तो इस बात पर दिया जाएगा ये जानने के लिए कि ये इंडस रिवर डॉल्फिन जो है पंजाब के अंदर कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, कितनी संख्या में कहाँ पर इनकी मौजूदगी है, यानी कि इनका पॉपुलेशन पैटर्न जो है वो देखा जाएगा। पॉपुलेशन पैटर्न से एक चीज समझ में आएगी कि जहां पर इनकी नंबर जो है वो ज्यादा है, इट मींस वहां पर कोई ना कोई फेवरेबल कंडीशंस ऐसी हैं, या फिर कंपैरिजन अगर किया जाएगा बाकी जगहों से तो हो सकता है दूसरी जगहों पे जहां पे इनका नंबर कम है वहां पर कुछ इनके अगेंस्ट कोई ऐसी चीज मौजूद हो जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन जो है वो बाकी जगहों पे डिक्लाइन करती है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इनका पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाएगा, ताकि अल्टीमेटली सारे के सारे डेटा का अध्ययन करके, इसको एनालाइज करके इनके कंजर्वेशन में, इनके संरक्षण में जो है वो मदद मिल सकेगी। ये डॉल्फिन्स क्या हैं, कहां पाई जाती हैं, इसको अगर हम समझे, अंटिल रिसेंटली डॉल्फिन वर बिलीव टू बी एंडेमिक टू पाकिस्तान। इंडस रिवर डॉल्फिन, पहले माना जाता था कि ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में, जब सिंधु नदी जो है वो भारत को क्रॉस करके पाकिस्तान में पहुंचती है, वहां पर ऐसा माना जाता था कुछ समय तक, कुछ समय पहले तक, कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही पाई जाती है। हाउएवर अ रेमनेंट बट वाइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडस डॉल्फिन वॉज डिस्कवर्ड इन हेरिके वेटलैंड सेंचुरी ऑफ पंजाब एज वेल एज इन ब्यास रिवर इन 2007। तो 2007 से पहले तक हमको ये जानकारी थी कि इंदस रिवर डॉल्फिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंधु नदी में, इंदस रिवर में पंजाब के अंदर पाई जाती है, पंजाब जो पाकिस्तान में आता है, तो पाकिस्तान के अंदर जो है इनकी मौजूदगी देखी जाती थी। मगर धीरे धीरे ये चीज समझ में आई कि इनका एक हिस्सा, छोटा सा ही सही, एक छोटी सी नंबर में इनकी मौजूदगी जो है वो पंजाब के पहले तो हरिके वेटलैंड में देखी गई, और साथ ही साथ ब्यास नदी के अंदर भी इनकी मौजूदगी जो है वो दर्ज की गई। और तब हमें समझ में आया कि एक्चुअल में चाहे स्मॉल नंबर में ही सही, ये जो है पंजाब हिंदुस्तान के अंदर भी ये डॉल्फिन जो है वो मौजूद है। सिंस इट्स डिस्कवरी पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज कंडक्टिंग रिसर्च इन एसोसिएशन विद WWF ऑन द हैबिटेट टू यू हैबिटेट यूज करंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉपुलेशन ऑफ डॉल्फिन। तो जैसे ही इस बात का पता जो है वो पंजाब के वन विभाग को चला के डॉल्फिन, इंडस रिवर डॉल्फिन जो है वो पंजाब के अंदर है, तब से निरंतर वो शोध में लगे हैं, वो रिसर्च में लगे हैं WWF के साथ में, जिससे ये जानने की कोशिश कर की जा रही है कि कैसे इन डॉल्फिन्स के हैबिटेट को जो है वो सुरक्षित किया जा सकता है, कहां पर ये रहती हैं, कैसे इनको नंबर को बढ़ाया जाए, इन सभी चीजों पर अध्ययन जो है वो निरंतर किया जा रहा है। पंजाब के अंदर इसका मिलना, और क्योंकि ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है जो कि विलुप्त तो होने के कगार पर प्रजाति है, इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए द इंडस रिवर डॉल्फिन वॉज डिक्लेयर्ड द स्टेट एक्वेटिक एनिमल ऑफ पंजाब। 2019 में इसको पंजाब राज्य का जलीय जानवर घोषित कर दिया गया था, एक्वेटिक एनिमल ऑफ पंजाब इसको जो है वो घोषित कर दिया गया था। जब भी कभी इस तरीके का टाइटल जो है किसी भी जानवर को मिलता है तो उसकी नेचुरली प्रोटेक्शन जो है वो हो जाती है, क्योंकि उसका किसी भी प्रकार से उसको नुकसान पहुंचाना जो है वो दंडनीय अपराध बन जाता है। तो इनकी पॉपुलेशन को, इनकी स्पीशीज को बचाए रखने के लिए ये कदम जो है वो उठाया गया था। साथ ही साथ ब्यास डॉल्फिन मित्र एक इनिशिएटिव जो है वो शुरू किया गया था। ब्यास डॉल्फिन मित्र नाम से समझ आ रहा है, ब्यास के अंदर रहने वाले डॉल्फिन्स के मित्र, उनको संरक्षित करने वाले, उनको प्रोटेक्ट करने वाले, ये एक इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट किया गया था, ताकि इस पॉपुलेशन को, डॉल्फिन्स को जो है वो बचाया जा सके। क्या है ये ब्यास डॉल्फिन मित्र? इट इज अ ग्रुप ऑफ डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स कॉल्ड सी डॉल्फिन मित्रास। तो ये कुछ व्यक्तियों का समर्पित समूह था जिन्हें ब्यास नदी में सी डॉल्फिन का मित्र जो है वो माना जाता था। तो ब्यास नदी में जो डॉल्फिन्स थी उनका मित्र इनको माना जाता था। दिस इज इन द लाइंस ऑफ डॉल्फिन मित्र प्रोग्राम विच वाज अनाउंस्ड बाय वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया टू कंजर्व गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन्स। ऐसी ही एक परियोजना, ऐसी ही एक पहल जो है वो वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा स्टार्ट की गई थी, जिसका
उद्देश्य क्या था? गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन्स, वो डॉल्फिन्स जो गंगा नदी में पाई जाती हैं उनको संरक्षित करना, उसके लिए डॉल्फिन मित्र प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया था, और इसी की तर्ज पर ब्यास डॉल्फिन मित्र कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम को पंजाब सरकार और भारत सरकार ने मिलकर के किया है। इट इज एन इनिशिएटिव फॉर द कंजर्वेशन ऑफ डॉल्फिन एंड इट्स हैबिटेट बाय पंजाब गवर्नमेंट अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम प्रोजेक्ट डॉल्फिन। तो पंजाब सरकार का ये कार्यक्रम है जहां पर एक तो डॉल्फिन्स को प्रोटेक्ट करना है, जो पंजाब के अंदर चाहे ब्यास नदी हो चाहे हरि के वेटलैंड में हो, उनको और उनके हैबिटेट को सुरक्षित करना, संरक्षित करने का काम जो है वो पंजाब सरकार करेगी, एंड इट विल वर्क साइमल्टेनियसली विद गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज प्रोजेक्ट डॉल्फिन। तो भारत सरकार ने जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया है उसके साथ साइमल्टेनियसली ये इनिशिएटिव जो है पंजाब सरकार का वो चलेगा। जितनी ज्यादा इस तरीके के स्टेप्स जो है वो लिए जाएंगे, उतना ज्यादा अच्छे तरीके से संरक्षण जो है वो डॉल्फिन्स का हो पाएगा। क्या है प्रोजेक्ट डॉल्फिन? द प्रोजेक्ट डॉल्फिन वाज प्रपोज्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इन 2019 इन हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच। अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन का प्रस्ताव जो है वो रखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था, जिसकी सफलता को देखते हुए प्रोजेक्ट टाइगर के कारण टाइगर्स की पॉपुलेशन जो है वो उसमें इंक्रीज काफी हद तक देखा गया था, और उसी तर्ज पर प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है वो चलाया जाए, ताकि चाहे समुद्री डॉल्फिन हो चाहे नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फिन हो, इनको संरक्षित, इनको सुरक्षित जो है वो किया जा सके। तो उसी तर्ज पर डॉल्फिन को जो है वो बचाने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए इनिशिएटिव है। और ये आर्टिकल इसलिए हम डिस्कस कर रहे थे क्योंकि बहुत ही जल्द पंजाब के अंदर कितने डॉल्फिन्स हैं इस बात की जानकारी के लिए जनगणना की प्रक्रिया जो है वो शुरू होने वाली है। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल समझ में आया होगा। पंजाब स्टेट एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपकी हेल्प के लिए studyiq.com या फिर studyiq के ऐप पर अवेलेबल है। डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें और जल्द से जल्द अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम को क्वालिफाई करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।